अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली असीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जौली असीम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक गैस को सिलेक्ट किया है, और दोस्तों एक ऑर्गेनिक गैस है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोपेन गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों प्रोपेन गैस को इसके अलावा प्रोपेन फ्यूल भी बोला जाता है, और दोस्तों इसे सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म के अंदर भी यूज किया जाता है। और दोस्तों 3 कार्बन एल्केन केमिकल कंपाउंड है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C3H8 है, और दोस्तों रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाला शानदार हाइड्रोकार्बन है। और दोस्तों कन्वीनियंट और पोर्टेबल होने की वजह से आसानी के साथ सिलेंडरों के अंदर, घरों के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, या ऑफिस के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है, आउटडोर एक्टिविटीज के तौर पर भी इसे आसानी के साथ यूज किया जा सकता है। और दोस्तों बेहतरीन एनर्जी सोर्स है, और दोस्तों इसे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। दोस्तों इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एज अ ईंधन के तौर पर यूज किया जाता है। दोस्तों ये एलपीजी गैसेस का हिस्सा है। आने वाली वीडियो में आपके लिए सीएनजी और एलपीजी के बारे में भी अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। और दोस्तों ज्यादातर जो है प्रोपेन गैस का जो मेजर यूजेज है, इसे होम हीटिंग के तौर पर भी यूज किया जाता है, घर के अंदर खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों बिजली बनाने वाले प्लांट्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी को पावर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इससे बहुत सारे जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं। और दोस्तों जब दूसरे हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा करते हैं। इसके बरक्स जो है प्रोपिन गैस जो है लेस टॉक्सिक है, हो क्लीन बर्निंग इग्निशन देती है। और दोस्तों इसे फर्निस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, इसके अलावा फायर प्लेसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, कुकिंग रेंज के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, पूल को हीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बेहतरीन सस्ता एनर्जी का सोर्स है। और दोस्तों प्रोपेन गैस का जो लिक्विड फॉर्म के अंदर सिलेंडर होता है, आपको आसानी के साथ हर छोटे मोटी मार्केट से मिल जाएगा। चले दोस्तों ये तो थे प्रोपेन गैस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों प्रोपेन गैस जो है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करवाने के हवाले से एक सेफ गैस समझी जाती है। और दोस्तों जब भी आप प्रोपेन गैस के सिलेंडर को घर के अंदर स्टोर करें तो आप अच्छी क्वालिटी का ही सिलेंडर यूज करें। अगर सिलेंडर के अंदर हल्की सी भी लीकेज हो तो ये धमाके के साथ ब्लास्ट हो सकती है। और दोस्तों हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से फौरन आग पकड़ती है। और दोस्तों इस वजह से फायर प्लेसेस और जहाँ पे आग लगी हुई है, या माचिस की तीली वगैरह इस्तेमाल हो रही है, सिगरेट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, दोस्तों वहाँ पे जो है प्रोपेन गैस के सिलेंडर से आप दूर ही रहे। दोस्तों प्रोपेन गैस जहाँ पे इनडोर अगर इस्तेमाल की जा रही है, या जहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है, तो अगर हम मुस्तकिल उसके माहौल में रहते हैं तो आपका सर चकरा सकता है, आपका दिल खराब हो सकता है, आपको मसली हो सकती है, आपको थकन का एहसास हो सकता है, खांसी हो सकती है, और दोस्तों इसके शोले से आपकी स्किन बर्न हो सकती है। और दोस्तों कोशिश करें जब भी आप प्रोपेन गैस का कोई सिलेंडर इस्तेमाल करें तो दोस्तों इसे आउटडोर के ऊपर ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर किचन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, किचन के अंदर आपने कोई सिलेंडर स्टोर किया हुआ है, इसके दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखें। बर्निंग के प्रोसेस के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज करती है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोपेन गैस के हवाले से जो मैंने वीडियो आपको बना कर दी है, आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका मजीद कोई सवाल है प्रोपेन गैस के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमती वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोज़ भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जौली असीम को इजाजत दें। ओके, चलो फिर, टेक केयर।